सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के नारी वंदन कार्यक्रम में मंच में उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की मैं स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज लालगंज मिर्जापुर के ऐतिहासिक प्रांगण में नारी वंदन के कार्यक्रम में उपस्थित नारी शक्ति को मैं भी प्रणाम करती हूँ। आज मैं अपनी बात जय शंकर प्रसाद जी के कुछ लाइनों से शुरुआत करती हूँ। आंसू से भीगे आंचल पर, आंसू से भीगे आंचल पर मन का सब कुछ रखना होगा, तुमको अपनी स्मृति रेखा से एक संधि पत्र लिखना होगा। पता नहीं कब से भारतीय नारी अपने आंसुओं के साथ समझौता कर रही थी। हम नारियों की शक्ति को माना गया लेकिन अधिकारों से वंचित रखा गया। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आधी आबादी का हिस्सा हमारी भारतीय नारी है और आज तक हासियत पर क्यों रही, जबकि हमारा संविधान लिखे आधार पर भेदभाव को रोकता है। सबसे बड़ी विडंबना तो यह है कि नारियों संबंधित नीतियों को निर्माण में नारियों की भागीदारी न के बराबर है। अभी तक हमको घूंघट के समान घर में रखा जाता था और यह कहकर हमारे अधिकारों से वंचित कर दिया जाता था कि नारी घर के अंदर ही शोभा देती है। स्वतंत्र भारत में अब तक छोटे बड़े दलों को कई नेता आए और गए, लेकिन किसी ने भी सरकार ने आधी आबादी के अधिकारों के लिए कोई कानून नहीं बनाया। आज आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि एनडीए की सरकार ने देश की सबसे बड़ी पंचायत में देश की नारी शक्ति को 33% का आरक्षण दिया है। भारत के दूर दराजों में निवास करने वाली हमारी भारतीय नारी जो अभी तक घर का नियम नहीं बना सकी हैं, अब वह पूरे देश को चलाने के लिए अपना नियम स्वयं बना रही हैं। यह महान कार्य हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा संभव हुआ है। अगर इस देश के 50 करोड़ नारी शक्ति का वंदन करने का कार्य किसी ने किया है तो ये हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आज मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि एनडीए की सरकार और नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार के पूर्व हमारी नारी शक्ति को वायुसेना में लड़ाकू विमान चलाने का अधिकार किसी सरकार ने नहीं दिया, लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने सन 2015 में हमारी नारी शक्ति का सम्मान करते हुए हमारी भारतीय सेना को वायु विमान लड़ाने के लिए अनुमति दे दी। हमारी शक्ति अवनी चतुर्वेदी, मोहना सिंह, गुंजर सक्सेना ने बम वर्षा विमानों को उड़ा कर यह साबित कर दिया कि हम महिलाएं भी किसी क्षेत्र में कम नहीं हैं। हमें यह बताते हुए गर्व की अनुभूति हो रही है कि मिर्जापुर जनपद भी नारी शक्ति को स्थापित करने में पीछे नहीं रहा है। हमारे जनपद यशोवर ग्राम सभा की सानिया ने सन 2021 में भारतीय वायुसेना के अंदर विक में अपना नाम दर्ज किया। नारी शक्ति का वंदन करने में हमारा प्रदेश और हमारे मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी भी पीछे नहीं रहे। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी के द्वारा नारियों के विकास सुरक्षा के लिए अनेक प्रकार के कार्यक्रम और योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें मिशन शक्ति 10-90 महिला हेल्पलाइन, महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में अनेक प्रकार के कार्य किए जा रहे हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा नारी शक्ति की क्षमता पर जिस प्रकार विश्वास करने का कार्य किया है, ये काबिले तारीफ है। मैं आपसे दो लाइनें कहना चाहती हूँ। पाँव मिला है चलने को, पाँव मिला है चलने को, पाँव पसारे मत बैठो, चलने वाला मंजिल पाकर मन के मारे मत बैठो। हे नारी उठो, जागरूक हो और अपने अधिकार और हक के लिए लड़ो। जब आप लड़ेंगी तभी आपके अधिकारों का हिस्सा मिलेगा। यदि आप अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ती हैं तो आप पीछे रह जाती हैं। नारी अबला है लेकिन नारी शक्ति का रूप कहा जाता है। इसी के साथ मैं अपनी नारी शक्ति को प्रणाम करती हूँ, इसी के साथ अपनी वाणी को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने उद्बोधन से हम सभी को अनुरोध करेंगी माननीय विधायक शारदीय श्रीमती रिंकी कौल जी। उद्बोधन की इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए सादर मंत्रित करते हुए माननीय सांसद, राज्यसभा प्रदेश अध्यक्ष, महिला मोर्चा माननीय श्रीमती गीता शाक्य जी, एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन वंदन स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। आज माँ विंध्यवासिनी की ये पवित्र धरा पर आधी आबादी के
इस मातृशक्ति के सम्मेलन में उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आज आशीर्वाद देने और स्नेह देने के लिए यहाँ पर आए ऐसे पूज्य महाराज जी यहाँ पर मन पर उपस्थित भारत सरकार की मंत्री और यहाँ की नेता आदरणीय बहन अनुप्रिया पटेल जी, यहाँ के क्षेत्रीय अध्यक्ष आदरणीय दिनेश पटेल जी, यहाँ के जिला अध्यक्ष आदरणीय ब्रजभूषण सिंह जी, यहाँ पर जिला अध्यक्ष के रूप में महिला मोर्चा का नेतृत्व कर रही बहन आभा पटेल जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष के रूप में बहन नम्रता चौरसिया जी, आदरणीय कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार में आशीष पटेल जी, सम्मानित विधायक रमा शंकर सिंह पटेल जी, सम्मानित विधायक रत्नाकर मिश्र जी, सम्मानित विधायक श्री अनुराग सिंह जी,